सो हे गाइस, व्हाट इज़ अप, होप यू आर डूइंग गुड। आज इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि जो क्रोम ऐप है, आप उसमें साइन इन कैसे करोगे, साइन अप कैसे करोगे, और साथ ही साथ जो यूट्यूब स्टूडियो है, आप अपने मैक में क्रोम के थ्रू यूट्यूब स्टूडियो कैसे एक्सेस कर सकते हो, कैसे आप वीडियोज़ अपलोड करोगे। सो गाइस, सबसे पहले आपको जाना है इस क्रोम ऐप में। आप यहाँ से भी इसे क्लिक करके ऑन कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक करना है, जो भी यहाँ पे आपका अकाउंट का लोगो होगा, चाहे नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे आपको साइन इन करने के लिए बोलेगा। तो आपको जाना है ऐड में। ऐड पे क्लिक करते ही कुछ ऐसा सा आएगा, जहाँ पे दोस्तों आपको अपना नाम लिखना है। मेरा नाम है अमन सिंह। तो ऐसा क्लिक करने के बाद फिर ये बोल रहा है गेट स्टार्टेड ऑलरेडी ए क्रोम यूज़र साइन इन। दोस्तों मेरा यूज़र अकाउंट पहले से ही है, ईमेल आईडी, और आपका भी पहले से होगा, तो आपको क्लिक करना है साइन इन पे। दोस्तों आप जैसे ही साइन इन पे क्लिक करोगे, ये आपसे आपका ईमेल आईडी पूछेगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालना है, जो भी आपका ईमेल आईडी। मेरा ईमेल आईडी, मैंने जस्ट फॉर डेमो पर्पज़ मैंने बनाया था एक ईमेल आईडी, amanxyz9899@gmail.com। अब दोस्तों इसका पासवर्ड मांग रहा है ये, पासवर्ड डाल दो आप यहाँ पे, रॉन्ग पासवर्ड, लेट मी ट्राई वंस अगेन। पासवर्ड मैंने तो डाल दिया। और हाँ दोस्तों, यहाँ पे अब इस बार एक्सेस हमें मिल चुकी है। अब यहाँ पे फिर से पूछ रहा है रिकवरी फ़ोन नंबर वगैरह, ये सब शो कर रहा है यहाँ पे। कंफर्म कर देना है इसे, और कंफर्म करके आप फर्दर आगे की तरफ बढ़ सकते हो। अभी मुझे सिंक विंक नहीं करता, तो अगर आप सिंक करना चाहते हो तो यस आई एम इन, आप यहाँ पे सिंक टर्न ऑन कर सकते हो। यस आई एम इन मैंने कर दिया, और मुझे जो क्रोम है ये एज अ डिफ़ॉल्ट ही चाहिए, तो मैं यहाँ पे स्टेटस डिफ़ॉल्ट कर रहा हूँ, कीप सफारी यूज़ क्रोम। अब आपको दोस्तों यहाँ पे अगर सफारी अच्छा लग रहा है, तो आप सफारी को डिफ़ॉल्ट पे रख सकते हो। मुझे इन जनरल क्रोम ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा मुझे कन्वीनियंट लगता है, तो इसलिए मैं क्रोम को ही अपना डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र बनाना चाहूँगा। सो गाइस, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, पूरा एकदम फ्रेश न्यू मेरा गूगल क्रोम का जो अकाउंट है ओपन हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप यहाँ से यूट्यूब स्टूडियो को कैसे एक्सेस करोगे। आपको सिंपली यहाँ पे टाइप करना है यूट्यूब, क्लिक एंटर, और यहाँ पे आपको यूट्यूब पे क्लिक कर देना है, जो पहली साइट है वहाँ पे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको पूछेगा कि यूट्यूब स्टूडियो को आपको जाना है। दोस्तों आप देख सकते हो यूट्यूब, इसको पहले ब्लॉक करते हैं। यहाँ पे दोस्तों यूट्यूब स्टूडियो पे आप क्लिक कर दो। और एक्चुअली ये जो ईमेल आईडी है, मैंने बनाया था सिर्फ डेमो पर्पज़ के लिए, तो यहाँ पे मेरा कोई चैनल वैनल ऐसे है नहीं। तो फिर भी यहाँ पे क्रिएट चैनल पे आप क्लिक करो सबसे पहले, और उसके बाद ये अकाउंट ओपन होता है, और यहाँ पे आप साइड में क्लिक करो, ये बंद हो जाएगा। अब दोस्तों ये आपका ओपन होगी, यहाँ पे आप वीडियोस कैसे अपलोड करोगे। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ पे आपका सब्सक्राइबर यहाँ पे दिखाएगा, कंटेंट, जितने सारे वीडियोस आपने अब तक अपलोड किए हुए हैं वो सारा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपकी अगर कोई प्लेलिस्ट है तो वो इस वाले में शो हो जाएगी। एनालिटिक्स दोस्तों, क्या आपका कैसे वीडियोस आपके कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे व्यूज़ आ रहे हैं, कमेंट्स क्या आ रहे हैं, ऐसे आपको एनालिटिक्स में आपको देखने को मिल जाएगा कि आपकी ग्रोथ रेट एक्चुअली क्या है। कमेंट्स में आपके जो भी रिसेंट कमेंट्स होंगे वो देखने को मिल जाएंगे। सब टाइटल्स यहाँ पे है, फिर इनसे कॉपीराइट, आपके किसी भी वीडियो पे अगर कॉपीराइट क्लेम है, फिर कॉपीराइट स्ट्राइक है आपके अकाउंट पे, तो यहाँ पे वो शो करेगा। उसके बाद फिर दोस्तों मोनेटाइजेशन, आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके चैनल को मोनेटाइजेशन होने में कितना टाइम लगेगा। जैसे कि ये जो आपको मैंने पहले ही बताया कि ये डेमो पर्पज़ के लिए मैंने बनाया है, तो दोस्तों यहाँ पे 0 सब्सक्राइबर दिखा रहा है और 0 पब्लिक वॉचआवर दिखा रहा है। आपका जितना होगा यहाँ पे वो दोनों शो कर देगा। उसके बाद दोस्तों ये रही ऑडियो लाइब्रेरी। ये क्या है दोस्तों? ये कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक है यूट्यूब की तरफ से, जो आप अपने वीडियोस में यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे फिल्टर लगाने के बाद भी जिस तरह का आपको म्यूज़िक चाहिए, आप उस तरह का यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे नीचे आपका है यूट्यूब का सेटिंग्स। यहाँ पे फर्दर इसमें हम अंदर नहीं जाते अभी फ़िलहाल, इसके बारे में कभी और मैं वीडियो बना दूंगा, फिलहाल इसे बंद करते हैं। और अब दोस्तों मैं आपको शॉर्टकट बताने वाला हूँ कि अगर आपको कभी भी फर्दर YouTube स्टूडियो ओपन करना है, तो आप कितनी बार फिर वैसे YouTube टाइप करोगे, उसके बाद फिर से आपको नीचे जाना पड़ेगा ऑप्शंस में YouTube स्टूडियो में, तो इतना सारा करने की कोई ज़रूरत नहीं। दोस्तों मैं आपको एक सीधा सा शॉर्टकट बता रहा हूँ, जहाँ पे आपको करना क्या है कि आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करो, एक अनदर टैब टैब ओपन करो, और यहाँ पे जो ऐड शॉर्टकट है इस पर क्लिक करो। और दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले नेम में लिखना पड़ेगा YouTube स्टूडियो। और दोस्तों यहाँ पे जो URL मांग रहा है, अभी यहाँ पे आप जाओ पिछले टैब में, और यहाँ पे जाके जो आपका ये
URL है, यहाँ पे क्लिक करके इसे आप कमांड सी से कॉपी कर सकते हो। अब दोस्तों कमांड सी से कॉपी करने के बाद फिर से यहाँ पे आप आओ URL में और कमांड भी प्रेस करो, ये आपका पूरा पेस्ट हो जाएगा, डन। अब दोस्तों यहाँ पे आपको बार बार उसके लिए YouTube में जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आपका जो YouTube स्टूडियो है ऑटोमेटिकली विद इन अ सिंगल क्लिक आपका YouTube स्टूडियो ओपन हो जाएगा। सेम फॉर अदर वेबसाइट्स भी आप कर सकते हो यहाँ पे, जैसे कि सिंपली अगर आपको YouTube पे कोई वीडियो देखना है, एन्जॉयमेंट थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करना है, तो आपको फिर ये तो सीधे डायरेक्टली ले जाएगा YouTube स्टूडियो पे, आपको चाहिए YouTube, तो आप YouTube यहाँ पे लिख दो और सिंपली जस्ट कॉपी कर दो आप ये वाला URL और ला के इसे यहाँ पर पेस्ट कर दो, डन। एंड नाउ हियर इफ यू क्लिक हियर इट विल डायरेक्टली रिडायरेक्ट यू टू द यूट्यूब पेज, नाउ यू कैन एन्जॉय हियर। सो दोस्तों ये काफ़ी कन्वीनियंट सा फीचर है जो मुझे काफ़ी सही लगता है शॉर्टकट्स के मामले में। तो आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो यूट्यूब को, यूट्यूब स्टूडियो को। दोस्तों ऐसे आपकी जो भी फेवरेट वेबसाइट है उसे आप ऐसे ही एक्सेस कर सकते हो शॉर्टकट बना के। सो गाइज़ मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।